हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ऐसे में आप सभी चाहते हो कि हमको सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ना पड़े और बिल्कुल आपको स्मार्ट स्टडी करनी भी पड़ती है, क्योंकि जो भी आज तक टॉपर बना है वो स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करके ही टॉपर बना है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे पूरे चैप्टर को पढ़ो, तो बेसिकली मैं आज आपको डी ब्लॉक के वो चार टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ जिनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, जो कि एक से डेढ़ घंटे में आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, तो आपका कन्फर्म हो गया 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के हो, डी ब्लॉक चैप्टर से वो कौन से ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, बस बदल बदल के वही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर उन क्वेश्चंस को हम लोग समझ लिए, उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिए, तो बस उन क्वेश्चंस को आप तैयार करके डी ब्लॉक कंप्लीट आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको चीजों को स्मार्टली हैंडल करना है। तो अगर हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर की, जो हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े मुझे नहीं समझ में आता, तो आज सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, या इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, किसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और इसके करैक्टरिस्टिक, और इसके करैक्टरिस्टिक। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो बस यही दो क्वेश्चन में सिमट कर ये पूरा चैप्टर रह जाएगा कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डिस्कस इट्स करैक्टरिस्टिक्स। तो करैक्टरिस्टिक में किस किस मेन पॉइंट को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, आपको पढ़ना है थोड़ा अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा साल्ट नोड टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर, और आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, आपको 5 प्रॉपर्टी बस पढ़नी है, और आपको पढ़ना होगा कलर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, आपको पढ़ना होगा कलर कॉम्प्लेक्सेस, आपको पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है ना, अभी मैं सबका ओवरव्यू आपको दे दूंगा, बिल्कुल घबराना मत। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, अगर यह ब्लॉक से क्वेश्चन बने तो आज तक बस यही बनते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इससे कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर है, मतलब ये कैसे चीज़ों को अफेक्ट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए, बेसिकली अगर हम लॉन्ग आंसर की बात करें तो बस 2 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। आप बोलोगे क्या सर अभी तक यहीं से क्वेश्चन है, यहाँ कभी आपको दे देगा कि राइट एंड साल्ट नोट ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर कॉम्प्लेक्सेस, कभी दे देगा ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करिए, कभी दे देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करिए, कभी आपसे पूछेगा कि व्हाई इट फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, वराइटीज ऑफ दी क्वेश्चन आपसे बनाए जाएंगे, लेकिन आप बहुत आसानी से अगर इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिए अच्छे से, मिनिमम मैक्सिमम आपको 60 to 90 मिनट लगेंगे, 1 घंटे से 90 मिनट तक, और आप यकीन मानो आप 100% इसमें मार्क अचीव कर लो। इसी तरह हम हर चैप्टर का आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा, आपके कमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, साथ ही अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि आपके अपने ऑफिशियल चैनल गूगल केमिस्ट्री पे उसके ऑफिशियल ऐप पर चल रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऑफिशियल ऐप है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके 95% पाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।